हाय गाइस, मेरा नाम है संजय सैन, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक फिजिक एथलीट हूँ। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट करें या नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को अपनी बॉडी में कैसे बढ़ाएं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है जो अपनी बॉडी में प्रोस्टेट और टेस्टिकल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक एनाबॉलिक इफेक्ट होता है और एक एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है। एनाबॉलिक इफेक्ट जो होता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपका मसल मास, बोन मैच्योरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस ये प्रोड्यूस होता है और ये बनता है बॉडी में। और इसका जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है जिसमें आपका स्पर्म प्रोडक्शन होता है, बॉडी के हेयर्स की ग्रोथ होती है, वॉइस डीपनिंग होती है, ये सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट के लिए। डाइट बहुत जरूरी है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। पहले मैं डाइट वेजिटेरियंस के लिए बताना चाहूंगा कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। इसमें आप स्पिनिच ले सकते हैं, स्पिनिच में विटामिन B6, मैग्नीशियम, आयरन है जो आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप नट्स इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें आलमंड, वॉलनट है, पीनट है, पीनट बटर है। पीनट बटर बहुत इफेक्टिव है, वो टेस्टी है। अनस्वीटेंड ऑर्गेनिक वाला आप यूज कर सकते हैं अपने ओट्स के साथ में। जब आप ब्रेकफास्ट करें उसे ब्रेकफास्ट में आप यूज कर सकते हैं ओट्स के साथ। ओट्स भी बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, जिसमें विटामिन B6 इंक्लूड होता है जो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। और इसके साथ में आप बनानास ले सकते हैं, बीटरूट ले सकते हैं। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आप टी वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हो। बीटरूट आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। बनानास का ब्रोमेलाइन न्यूट्रिएंट होता है जो बहुत इफेक्टिव होता है आपकी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। ये दोनों चीजें हैं। और इसके साथ में ब्लैक ग्रेप्स को भी बहुत इफेक्टिव है आपकी बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे आप अपने इसे भी आप प्री वर्कआउट में ले सकते हैं। दिस आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। रेड ग्रेप्स का ऑप्शन आपके पास, वो अगर आपके एरिया में या रीजन जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर मिलता हो तो आप उसे उसका जूस अपने प्री वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके साथ में आप गार्लिक ले सकते हो, लेमन, अनियन, ये चीज़ें भी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं। फ्लैक्स सीड्स, इसे भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। मैं बात करूंगा नॉन वेजिटेरियन फूड्स की जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीफ की। अगर आप बीफ कंज्यूम करते हैं तो आप बीफ लीवर कंज्यूम करें। बीफ पे भी विटामिन डी की क्वांटिटी अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट अच्छा होता है। इससे आपको जब आप वर्कआउट के थ्रू आप करेंगे, वर्कआउट से आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है इसे आप कंज्यूम कर सकते हो अगर आप इसे लेते हो तो। या फिर आप बीफ की और दूसरे ऑप्शन में है एग योक्स, आप एग योक्स ले सकते हो। क्योंकि एक मिथ बना हुआ है कि आप एग के येलो वाले पार्ट को खाएंगे तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल गलत है। आप एग योक्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं उसे। आप जब मॉर्निंग का मील ले रहे हैं आप होलिक्स खाएं। ज़्यादा होलिक्स मत कंज्यूम करें क्योंकि वो आपकी एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि आप कि अगर आपकी स्टमक की क्वांटिटी इतने फूड खाने की नहीं है तो आप अवॉइड करिए। आप दो खाइए, तीन खाइए। और आप ट्रेंड एथलीट हैं और आपने ट्रेनिंग करी हुई है तो आप होल एग्स को कंज्यूम करें। 3 या 4 eggs होल एग्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। एग वाइट भी जरूरी है। एग वाइट्स आपको वर्कआउट के बाद जरूरी होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय टूट चुकी होती है, आपकी मसल्स को रिकवरी की जरूरत होती है प्रोटीन की, तो उस समय आप अपनी डाइट में एग वाइट्स को ले सकते हैं, आपको रिकवरी अच्छी मिलेगी। उसमें भी आप अगर वर्कआउट में बिगनिंग स्टेज पे अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको एग वाइट भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। 3-4 egg whites कंज्यूम कर सकते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको फास्ट रिकवरी देगा। तब आपको फैट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फैट आपको ऐड करना है बाद में जब आप एग्स को दूसरे टाइम में कंज्यूम कर रहे हो, तब आप होल एग्स भी खा सकते हो। इसलिए एग योक्स को अवॉइड मत करिए। उसके बाद मैं कहूँगा प्रॉन्स की, शेल फिश की। अगर आप जिस एरिया या जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पर अगर फिश की प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर फिश की जो सप्लाई है वो अच्छी है वहाँ पे, तो आप प्रॉन्स भी खा सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं। दोनों चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। इससे आपकी सेक्स ड्राइव भी इम्प्रूव होगी इनको कंज्यूम करने से। वही प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है, इसको आप वाइट राइस के साथ कंज्यूम करेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा वर्कआउट के थ्रू। ये आपकी मसल्स को गेन करने में भी हेल्प करेगा। जब आप अगर फैट लॉस पे भी चल रहे हो तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। इसमें फैट नहीं होता लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में। और उसके बाद फिश, फिश में भी आपको सारी फिशेस इंक्लूड करनी है। इसमें सैलमन आ गई है, ट्यूना आ गई है और दूसरी रहू फिश आ गई है, बहुत सारी फिशेस हैं। अगर वो आपके एरिया में मिलती है आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है आपको लेना, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, आपकी जो मसल्स की रिकवरी होती है इसके लिए सप्लीमेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेना है जिसे आप यूज कर सकते हो, इससे आपको मैक्स रिजल्ट मिल सके आपके वर्कआउट में और बाद में रिकवरी में भी। पहला सप्लीमेंट है मल्टीवाइटामिन। मल्टीवाइटामिन आपको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, जिसमें विटामिंस की पूरी प्रोफाइल होती है, साथ में जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको लेना बहुत जरूरी है। जब आपको अगर टेस्टोस्टेरोन अपना बूस्ट करना है या टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ाना है तो आपको मल्टीविटामिंस बहुत जरूरी है लेना। और दूसरे सप्लीमेंट की मैं बात करूंगा वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपको लेना है फिश ऑयल के फॉर्म में, जो कैप्सूल्स आते हैं, कॉड लीवर का आता है, सैल्मन के फिश ऑयल का मिलता है, फिश ऑयल कैप्सूल्स मिलती है मार्केट में, अवेलेबल है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, तो आप फ्लैक्स सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए होता है और ओमेगा 3 की मात्रा इसमें होती है, जिसे आप अपने यूज कर सकते हैं डेली डाइट में। इससे आपको टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा और आपके जॉइंट्स भी इंजरी फ्री रहेंगे और आप ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हो, जिससे आपका जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो ट्रेनिंग के थ्रू वो भी अच्छे होंगे। तीसरा सप्लीमेंट है मेरा DHE। DHE सप्लीमेंट एक्चुअली एक तरीके का हार्मोन है। अपनी बॉडी में डिहाइड्रोएपेंडोस्टेरोन करके हार्मोन होता है, जो अपनी किडनी में एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होता है, जिससे अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बढ़ती है जब आप वर्कआउट करेंगे। इससे आपके पॉजिटिव एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी दिखते हैं अगर आप वर्कआउट करते हो और आप इस सप्लीमेंट को अपने डेली रूटीन में यूज करते हो तो आपको इससे एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी मिलते हैं। और चौथे सप्लीमेंट की मैं बात करूँगा वो गोक्षुरा। गोक्षुरा बहुत ज़रूरी है, आप इसे ले सकते हैं अपनी मॉर्निंग में मल्टीविटामिन ओमेगा 3 के साथ में हमें इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत है, बहुत सारे मैक्सिमम अपने इंडिया में जितने भी लोग हैं वो जो वर्कआउट करते हैं, जो लड़के स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। इसे भी आप मल्टीविटामिन ओमेगा 3 और गोक्षुरा, ये तीनों कॉम्बिनेशन में आप इसे मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हो या फिर इसे वर्कआउट से पहले भी आप 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले भी कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद एक और इफेक्टिव सप्लीमेंट है, वो है बोरॉन। बोरॉन सप्लीमेंट होता है जो आपको रिकवर करता है, इसके भी जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, जिससे आपकी बोन मास डेंसिटी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये ऐसे 5 इफेक्टिव सप्लीमेंट्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं अपनी डेली लाइफ में, जिससे आप अपनी बॉडी में मैक्स टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग के थ्रू अब आप अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। आपको करना मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेस है सारी, जिसमें आपके स्क्वाट्स हो गए, बेंच प्रेस हो गया, रोइंग हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, ओवरहेड प्रेसेस हो गए हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको करनी है ताकि कि आपकी बॉडी के अंदर जो बड़ी मसल्स होती हैं जिसे आप ट्रेन कर रहे हो इन एक्सरसाइजेस के थ्रू, वो मैक्स टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ ओवरऑल इंक्रीज होगी। जिसमें सारे मल्टी जॉइंटेड एक्सरसाइजेस आपको सारी करनी है, आपको बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, ये सब एक्सरसाइजेस आपको करना है। और खास तौर पर मैं बताऊंगा कि आप स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें, लोअर बॉडी को ज्यादा ट्रेन करें, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो जिम में जाते हैं और सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं। ये चीज सही नहीं है, बाइसेप ट्राइसेप एक छोटी मसल होती है, इसको अगर आप रेगुलरली ट्रेन करते रहेंगे तो वो मसल फटी होगी और उसे ग्रोथ होने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप लेग्स पे फोकस करें, लेग्स पे स्क्वाट्स करें, आप लंजेस करें, जिसमें आप डीप तक 90 डिग्री बिलो तक नीचे जाएं और फिर ऊपर उठें। आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट उठाना है। अगर आप जिम में नए हैं और आपने अभी जिम जाना शुरू ही किया है और आप अभी बिगिनर स्टेज पे ही हैं, तो आपको जिम में जाके दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्कआउट करना है। भले आप 5-5 की 2 पर साइड लगा के ट्रेन करें या उससे कम वेट में करें, बिलो 90 डिग्री प्रॉपर फॉर्म से करना है, प्रॉपर एथिक्स के साथ फॉलो करना है, तो प्रॉपर वे में आपको सारी मसल्स को ट्रेन करना है। भले ही आप वेट कम उठा रहे हो, आपको दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है कि वो इतना वेट उठा रहा तो मैं भी उठाऊं। इससे आप अपने आप को इंजर्ड कर सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर आपके पेरेंट्स आपको दोबारा फिर जिम नहीं भेजेंगे। इसलिए आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करें, डे बाई डे, वीक बाई वीक, मंथ बाई मंथ आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो फोकस आप अपनी लोअर बॉडी पे करें, क्योंकि स्क्वाट्स लगाने से, लंजेस लगाने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में मैक्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। दूसरी एक्सरसाइज तो आपको परफॉर्म करना है, लेकिन स्क्वाट्स और लंजेस करने से आपकी लोअर बॉडी ट्रेन होगी अच्छे से और आपको एक्सरसाइजेस
और जो दूसरी आपकी अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस हैं जैसे बेंच प्रेस वो भी इसमें भी आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इसलिए प्लीज प्रॉपर फॉर्म से करें। रिकवरी बहुत जरूरी है, आपको सोना बहुत जरूरी है, आपको 6 to 8 hours की स्लीप आपको जरूरी है। जब आप अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो आपको रात में 10 बजे ही सो जाना है, और फोन आपको रात में चलाना नहीं है, आपको फोन एक आधे घंटे या एक घंटे पहले ही दूर रख देना ताकि कि कोई रेडिएशन प्रोड्यूस ना हो, और आपको कॉर्टिसोल आपके कंट्रोल रहे, स्ट्रेस और टेंशन आपको करना नहीं, क्योंकि स्ट्रेस टेंशन अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, फिर अगले दिन आपको रिकवरी महसूस नहीं होगी, ठीक है। आपको आप वर्कआउट पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, इसलिए किसी भी तरह का कोई टेंशन है उसे आप अपनी लाइफ में से एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आपको ट्रेनिंग इफेक्टिव करना है, आपको फ्री माइंड से करना है, तो आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना है। इसकी वजह से आपकी बॉडी को अच्छी रिकवरी होगी, रात में आप अच्छी स्लीप लेंगे, आपकी बॉडी अगले दिन रिकवर होगी और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।